बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दादा हजरत शाहयूसफ गर्देज अफगानिस्तान के शहर गर्देज से तशरीफ लाए, जिनको मुल्तान आए हुए 1045 साल हो गए, जिनकी औलाद में से एक बेटे में से एक बेटा आ रहा है और इनकी औलाद में मखदूम सैयद मोहम्मद राजू शाह गुजरे हैं। अल्लाह ने इनको 5 बेटे अता किए। 4 बेटे नरीना औलाद ना होने की वजह से शिजरा में बंद हो गए और एक बेटा मखदूम नसीरुद्दीन मोहम्मद थे, जिनको अल्लाह ने एक बेटा अता किया जिनका नाम मखदूम हाफिज सैयद मोहम्मद शाह था। मखदूम हाफिज सैयद मोहम्मद शाह को अल्लाह ने एक बेटा अता किया जिनका नाम मखदूम गुलाम मुस्तफ़ा शाह था। मखदूम गुलाम मुस्तफ़ा शाह को अल्लाह ने 2 बेटे अता किए, मखदूम सैयद हामिद शाह, मखदूम सैयद फतेह शाह। मखदूम सैयद हामिद शाह लावाल फौत हो गए। इनकी मूसी जायदाद 36 मवाजात में थी। बड़े भाई मखदूम सैयद हामिद शाह के लावाल्द होने पर हजरत शाह यूसुफ गर्देज की पाक और मखदूमी मखदूम फतेह शाह के सर पर आई। मखदूम फतेह शाह को अल्लाह ने 2 बेटे अता किए। बड़ा बेटा मखदूम सैयद मोहम्मद शाह था, क्योंकि मखदूम सैयद मोहम्मद शाह की गद्दी नशीनी की गवाही तारीख मुल्तान में भी मौजूद है। दूसरा बेटा गुलाम मुस्तफ़ा शाह उर्फ मस्तन शाह था। मखदूम सैयद मोहम्मद शाह कुछ अर्सा पहले वफात पा चुके हैं, जिनके बेटों में से एक बेटा जिंदा है। मखदूम सैयद मोहम्मद शाह की पग और मखदूमी उस जिंदा बेटे पर आनी थी जो नहीं आई। आजकल के 14वीं सदी के लोग, माफिया लोग और हक को छुपाने वाले लोगों ने मखदूम सैयद मोहम्मद शाह की मखदूमी और पग किसी और सर पर रख दी। जो बेटा जिंदा था उसे ना मिली, क्योंकि हजरत शाहयूसुफ गर्देज की निशानियों में से एक आसा और 2 तलवारें हमारे घरों में पाई जाती हैं।